हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीसीओएस कैसे ठीक होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीसीओएस के मेन प्रॉब्लम्स क्या है। ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को ये चीज अफेक्ट करता है। पीसीओएस होने के वजह से तीन या चार जो मुख्य चीजें हैं ये मैं आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूं। पीसीओएस में देयर इज क्रॉनिक एनोविलेशन, मतलब ओवरी ठीक से ओविलेशन नहीं कर सकती। अब ओवरी जब ठीक से ओविलेशन नहीं कर सकती, इसके वजह से वो यूट्रस को पीरियड में आने का करेक्ट सिग्नल नहीं दे सकते। इसके वजह से कॉमनली इररेगुलर पीरियड्स होते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है। अब इस चीज के साथ में ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के लिवर में रहता है उसको इफेक्ट करता है, और इस चीज में फैट डिपोजिशन स्पेशली पेट में और थाइज में कॉमनली होता है। इस चीज के वजह से होता है वेट गेन। ये पीसीओएस में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। साइमल्टेनियसली ब्रेन के एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं LH, इसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। अब अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो ये सब एक दूसरे का प्रॉब्लम है। पीसीओएस के वजह से, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने की वजह से वेट गेन होता है, इररेगुलर पीरियड्स होते हैं। अगर एक्सेसिव वेट गेन हो गया तो एक्सेसिव वेट गेन भी आपका पॉलिसिस्टिक ओवरीज में कन्वर्ट हो सकता है। ब्रेन के LH हार्मोन के एबनॉर्मल सिग्नल्स के वजह से पीसीओएस होता है, और यही एबनॉर्मल सिग्नल के वजह से लिवर में ग्लूकोज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा एक वेब है, एक चीज दूसरे चीज को लीड करता है और दूसरे चीज वापस वही चीज को लीड करती है। इस चीज को तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीसीओएस के ट्रीटमेंट में। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिए। अगर आपको पीसीओएस मुक्त होना है, अगर आपको पीसीओएस से ठीक होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो चेन है, इस चेन को कैसे भी करके आपको तोड़ना है, राइट? सबसे बेस्ट तरीका इस चेन को तोड़ने का, रादर सबसे आसान तरीका, इज टू रिड्यूस योर वेट। ये जितना मैं इजिली बोल रहा हूं ना, उतना इजिली होता नहीं है। कोई भी बंदे को अगर आप बोलोगे कि मान के चलो आपका वेट है 70 kg, 10 किलो वजन कम कर दो तो आपका वेट हो जाएगा 60 kg। अगर आपका वेट 60 kg हो गया तो क्या होएगा, ये जो फैट है ना, ये फैट मान के चलो 50% से कमती हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि आप वेट लॉस करोगे कैसे। वेट लॉस करने के लिए कॉमनली मैं बताता हूं आजकल लोग क्या करते हैं। हमेशा हम बोलते हैं एक्सरसाइज कीजिए और डाइट फॉलो कीजिए, बराबर। 2 दिन के लिए लोग करते हैं, फिर क्या करते हैं, वॉक करने के टाइम पे जब जाते हैं ना, तब गाना सुनते हैं या बॉयफ्रेंड के साथ पे फोन पे बात करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, और वॉक करते हैं 2 के स्पीड पे। ये स्पीड पे वॉकिंग करने से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस करने के वास्ते तुमको जिम में जाके एक्सरसाइज करना पड़ता है फोन को साइड में रख के। इसके साथ में तुमको कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट, कोई एक डायटिशियन के पास में जाके थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल भी रखना मांगता है। लोग नॉर्मली कैसा करते हैं, सुबह को फ्रूट सलाद खाएंगे और शाम को खाएंगे चिकन टिक्का मसाला। ये सिचुएशन में ऐसा करोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है, ओके? ये बहुत ही मेथोडिकल ट्रीटमेंट रहता है। इसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक डायटिशियन, ये 3 लोग नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर आप वेट लॉस करते हो तो। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीसीओएस में वेट लॉस। अगर आपने ये चीज करवा दिया, अगर आपका वेट गेन के जगह पे आपका वेट लॉस हो गया, देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड। पर मान के चलिए कोई ऐसा पीसीओएस का पेशेंट है जो ओबीज नहीं है, जो पतला है, दुबला पतला है, कोई है ही 35 किलो का। अब उसको आप क्या बोलोगे उसको कि तू वजन कम कर? उसको तुम वजन कम करने के लिए बात नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट में प्रीडोमिनेंटली ये हार्मोन का प्रॉब्लम रहता है। हार्मोन की साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है और एज पेशेंट्स आपको ये नहीं समझना चाहिए।
वेट लॉस करने के दरमियान साइमल्टेनियसली ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हम मेटफॉर्मिन करके और एक दवाई देते हैं। इसको भी आप डिटेल में मत समझिए, इसको समझने से आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, राइट? ये पूरा मेडिकल साइंस है। एज पेशेंट आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो अगर आप वजन कम करेंगे, आपका मान के चलो वजन 100 kg है, उससे 10% मतलब 10 किलो वजन कम कर दिया ना, तो आपका PCOS का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप दुबले पतले हो तो डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, आपको हॉर्मोन्स लग सकते हैं और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये PCOS को ठीक करने का एकदम बेसिक नजरिया है। PCOS ठीक होते 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 6 से 10 महीने लगते हैं, इसलिए ऐसा मत समझना कि आपने ये वीडियो देख लिया और कल सुबह को PCOS ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। इट इज अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, ऑलराइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आधे टाइम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर कंटाल जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर वापस 6 महीने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं। ये PCOS के पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यू शुड कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट करेक्टली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप डेफिनेटली PCOS से आजादी पा सकते हो। एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज पे आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।